बॉम्बो आर्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काली माता जन जननी जगदम्बा की प्रतीक है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भैंसासुर ने अहंकार मचा दिया था और उसको रोकने के लिए हमारे देव भी कमजोर पड़ गए थे, तो काली माता को गुस्सा आया, बहुत भड़क गए, गुस्से से तप हो गए और वो संहार करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग को भी पता है, जब काली माता जब एक भैंसासुर को मारते थे, राक्षस को मारता था, उसका ब्लड नीचे गिरता था, दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। तो काली माता उसमें भी कंफ्यूज होगी कि ये क्या है, और ये ब्लड अगर नीचे गिरेगा तो राक्षस ऐसे ही उत्पन्न होंगे, तो श्रृंगार करना बहुत भारी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, हाथ में कटोरा लिया और सारे दानों का मुंडी काटते 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 वो कटोरे के अंदर खून टपकता था, वो खून को सेवन कर जाते थे। इसी प्रकार से संसार में जब हाहाकार मचा दिया भैंसासुर ने, तो ये श्रृंगार करने निकल चुकी। तो दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हर इंसान के शरीर में देव और दानों का वास होता है। अगर दानों पूरी तरह से मिट जाता तो आपके एक अंग को बैलेंस नहीं मिल पाता। तो जैसे देव और दानों एक बैलेंस है, जैसे आपको ये भी क्लियर करना चाहूंगा, आपका दिल है, आपका किसी से झगड़ा हो गया तो आप तो पहली बात सोचते हो कि यार उसे मार देना चाहिए, मार दूंगा छोड़ूंगा नहीं, और दूसरा वही माइंड आपका सोचता है नहीं मारने से क्या होगा, अगर इसे मार दिए तो फिर मजा ही खत्म है, छोड़ दो जान दो, गरीब आदमी है। तो दोस्तों, जो गरीब आदमी सोचता है, जो मोह माया करता हो वो देव है, जो मारने की बात करता है वो दानव है। तो जब काली माता को देख लिया शंकर जी ने कि इन्होंने दानों को पूरी तरह से तहस यानी सर्वनाश कर देंगे तो इंसान अधूरा हो जाएगा, तब शंकर जी को बच्चे का रूप लेकर उनके रास्ते में आना पड़ा। और काली माता उनको रोते हुए देखकर उनका गुस्सा शांत हुआ तो वो वहां पे अनर्थ होने से बचा। तो दोस्तों, काली माता का जो रूप है बहुत ही खतरनाक है और अच्छा भी है, अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ में अच्छा ही होगा। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि आप हो तो आपके अंदर देव भी है और दानव भी है। अगर आप किसी से गुस्सा करते हो, झगड़े करते हो, तो उसे संभालें। एक तरफ मारने की बात आएगी, दूसरी तरफ मारने की बात नहीं आएगी, तो मारने की बात जो नहीं आएगी आप उस पर ही ध्यान दें। तो दोस्तों, मेरे बातों से अगर संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।